इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर रक्सहा। जो आपको बता दें, हमारे पीछे सैयद तबारक दादा का आज सालाना उर्स है। आइए, कुछ लोग हैं उसमें तब्दील हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां खान है। जी शाहजहां जी, आज सैयद तबारक दादा का उर्स है, क्या बताएंगे? सर, हम लोग को तो उतनी जानकारी नहीं, जब से हो समाज तब से देर दादा का उर्स होता रहता है। जी, उर्स बहुत जोरों शोरों से होता है। इलेक्शन के माहौल में ये शिव चादर फंसी हुआ है जी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं वो कवाली वाली होती तो मज़ा आता है। क्या क्या कार्यक्रम बाबा के उर्स में होता था पहले? उर्स में क्या, बुजुर्ग है, यहाँ बहुत सारे लोग मन्नत पूरी होती है, आते लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अपने मन्नत पूरा करने के लिए जी। ना, उसके बाद हम लोग भी भाई गाँव के हैं, हमारे पड़ोसी हैं दादाजी। जब से हो सका तब देखता हूँ भाई, ऐसा कोई दादा ही शरीर में कोई है ही नहीं। जी 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 जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम सैयद शमशेर अहमद। शमशेर जी, आज सैयद तबारक दादा का उर्स मनाया जा रहा है, क्या बताएंगे बाबा के बारे में? सबसे पहले तो हमारे खानदान के दादा हैं जी, मेरे दादा का दादा है, और उनकी करामत तो बहुत ऐसी है। हाफिज कुरान थे, गाँव के पेशमान भी थे जी। इनकी ऐसी ऐसी करामत है कि जो बयान नहीं कर सकते जी। उर्स में बाबा का जब उर्स होता तो कैसे आप लोग मनाते हैं? हम लोग तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर पूरा गांव भी इंटरेस्ट लेता है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के। कोई ऐसा यहाँ से ही नहीं आता है कि मने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरे हिंदू मुस्लिम सब मिल के मानता है दादा को जी। सब मिल के यहाँ बनाते हैं जी। कोई ऐसी मने ये नहीं है। तो ये बताया थोड़ा विस्तार से कि जैसे सुबह में लोग क्या नाम कुरान खानी करते हैं, शाम में क्या क्या कार्यक्रम होता था? अभी अच्छा संगीता लगी है तो देखा जाएगा कि चादर पोसी किए हैं, अब चादर पोसी करने के बाद तबरुक बांटी गई है। ऐसे पहले क्या कार्यक्रम हो रहा था? पहले तो हो रहा था कि जो है यहाँ पर चादर पोसी होती थी, फिर उसके बाद यहाँ कव्वाली होती थी, फिर सुबह तक कव्वाली होती थी, रात भर कव्वाली होती थी। आचार संगीता की वजह से न उल्लंघन करते हुए हम लोग चादर पोसी सिर्फ किए जी। बाबा को लोग, जैसे यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर बाबा को किसी मनाना होता है तो फेवरेट चीज़ें उनकी चाय थी। ये क्या चाय के बारे में क्या बताएंगे? चाय के बारे में, उनकी चाय फेवरेट इसलिए थी कि वो ज़्यादा माने तजुब चाय पर खुश हो जाते थे, और किसी की चीज़ माने मिठाई मिठाई पर खुश नहीं होते थे जी। उनकी चाय वो जब सामने बगीचे जहाँ भी वो लगाए थे अपने हाथ से, तो खुद अपने हाथ से चाय बना के पीते थे जी। यहीं पर पत्ती से बटोर के अपना चाय बना के पी लेते थे। एक हाँ, एक चादर में चीनी, एक चाय में चायपत्ती। वो तो वली अल्लाह थे भाई, मतलब चाय के शौकीन। मतलब यहाँ के पब्लिक भी इन्हें मतलब चाय भी चढ़ाती है। हाँ, ज़्यादा चाय करके इनकी फातिया कराते हैं, मिठाई उठाई कर। जी, अपना नाम बता दें। मोहम्मद शेख खान, SP। हमारा स्वेब जी, आज सैयद तबारक दादा का उर्स है, क्या बताएंगे? हम लोग बचपन से ही यहाँ पे आ रहे हैं, हर साल की हिसाब भी, और यहाँ से यहाँ पर कव्वाली होता है, फतिया होता है, सब कुछ होता है, बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। लेकिन इस साल नहीं हो रहा आचार संगीता चलते, लेकिन फिर भी हम लोग चादर पोसी किए हैं, बहुत खुशी से हुआ हम लोग का जी। और बाबा के बारे में क्या जानते हैं आप? बस हम लोग बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पे, घर बगल में है आ रहे हैं, पहले पापा के साथ में आते थे, अब हम लोग भी आ रहे, हमें पापा भी आते थे यहाँ पे, और हम लोग दुआ पढ़ते, फातिया पढ़ते, हम लोग का सब कुछ पूरा होता है। इनको बचपन से ही हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं जी। जी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम सैयद तौफीक अहमद। तौफीक जी, देखा गया है कि सैयद तबारक दादा के यहाँ लोगों चादर पोशी किए हैं आप लोग, और क्या नाम है, फातिया भी पढ़े हैं, और क्या नाम है, तबरुक भी बांटे हैं, क्या बताएंगे बाबा के बारे में? ऐसा है कि ये उर्स हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है, चादर पोसी हुई है। हाँ, बोलते बिल्कुल है, और ये आचार संहिता इस चल लग गया तो इसके वजह से खाली चादर पोसी हुए थे, यहाँ पूरी नाइट कव्वाली होती थी, यहाँ हिंदू मुस्लिम धूमधाम से अपना मन्नत मनाते हैं, चादर पोसी करते हैं, और ये खास करके ज़्यादा चाय पसंद करते थे, इसलिए चाय का फातिया है अवरूद करते थे जी। मतलब रही बात, देखा जाए कि यहाँ मोहल्ले के आपके हिंदू मुस्लिम महिलाओं को क्या कहेंगे? जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ये नहीं है, ये सब आप आना एकता है, और हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके ही चलते हैं, और ये कार्यक्रम चलता रहता है। ये थे रक्सहा
गांव के लोगों ने बताया कि सैयद तबारक दादा का उर्स हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अबकिल आचार संहिता लगने की वजह से चादरपोशी के बाद कार्यक्रम समाप्त किया गया। वही बता दें कि रक्षाहा गांव में सैयद तबारक दादा उनको चढ़ाने के लिए उनकी फेवरेट चीज यहां पर चाय लोग चढ़ाते हैं। वही आप देख रहे थे गाजी अली आरिफ फारसी की रिपोर्ट।